हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिस्क। आज हम पावर सेक्टर के एक स्टॉक की को रिकमेंड करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पावर सेक्टर के ओवरव्यू को देख लेते हैं कि इंडिया का पावर सेक्टर कहाँ स्टैंड करता है और उसके अंदर किस तरह का स्कोप है, कैसी ग्रोथ चल रही है। तो अभी जो इंडिया का पावर सेक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर थर्ड रैंक है ग्लोबली, और उस हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हम समझ ही सकते हैं कि हम टॉप में ही होना थे। तो हम थर्ड पोजीशन पे है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, फोर्थ पोजीशन पे है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का नाम पे, यानी कि जो भी ये सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होती है उन सब की इंस्टॉलेशन जो है फोर्थ नंबर पे इंडिया में होती है। हमसे ऊपर तीन और कंट्रीज है, और हाइड्रो कैपेसिटी में हम फिफ्थ नंबर पे, यानी कि जो वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसमें हम फिफ्थ नंबर पे हैं। तो हमारी जो टोटल कैपेसिटी है वो 370 गीगावाट की है, जिसमें 47% जो है वो प्राइवेट कंपनीज प्रोड्यूस करती है, और बाकी 53 है उसमें 28% स्टेट्स अपने लेवल पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जनरेट करती है, और बाकी 25% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब इसके अंदर भी हमें सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रोडक्शन है वो थर्मल पावर पे डिपेंड करता है, यानी जो कोल को जला के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो 62% है, और पहले ये और ज़्यादा होती थी 70-80-90%, तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है। वाटर से हम जो डैम्स वगैरह बना के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो 12% है, और जैसा आप जानते हैं ये काफ़ी रेयर है कि इनकी इनके अंदर भी काफ़ी ग्रोथ हो, क्योंकि डैम्स बनाना काफ़ी बड़ा इशू होता है, और काफ़ी सारे गांव्स वगैरह जो होते हैं विलेजेस उनको वहाँ पे मतलब उनको हटना पड़ता है अपनी जगह से, लैंड एक्विजिशन होता है, तो वो काफ़ी सारा इशू है। तो हाइड्रो पावर भी जितनी है 46 गीगावाट, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट हम कर नहीं सकते कि आगे बढ़ेगा। थर्मल में भी धीरे धीरे जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उसकी वजह से ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और इवन न्यूक्लियर के अंदर भी सेम इश्यूज है कि न्यूक्लियर पावर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, तो उस वजह से हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो रिन्यूएबल्स पे, तो इंडिया जो है वो धीरे धीरे रिन्यूएबल्स पे फोकस कर रहा है, और आप देख सकते हैं 24% पे, हो सकता है कि आने वाले 10, 20 या 30 साल के अंदर हम इसके अंदर टॉप पे, और बाकी सारी जो टोटल कैपेसिटी वो या तो हम कम करते जाए और धीरे धीरे उन पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम होती जाए। तो अब हम शेयर बताने वाले थे, उसका नाम है NTPC। तो इसका एक्चुअल में नाम था नेशनल थर्मल पावर कंपनी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो थर्मल कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती थी उस पर फोकस करती थी, बट आज की तारीख में ये अपना जो पोर्टफोलियो है ये डाइवर्सिफाई कर रही है। आप देखेंगे कि ये हाइड्रो बेस्ड पावर स्टेशन है, इसकी गैस बेस्ड पावर स्टेशन है, इवन रिन्यूएबल्स में जा रही है, तो आप देखेंगे यह काफ़ी सारा ग्रीन हो चुका है, यानी काफ़ी ज़्यादा फोकस ये कंपनी भी रिन्यूएबल्स पर जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो है NTPC, उसको हम कहीं से भी ये नहीं सोच सकते कि ये किसी तरह पिछड़ जाएगी इन फ्यूचर, जब जो ग्रीन एनर्जी की कंपनियां है अदानी ग्रीन एनर्जी या इस तरह की कंपनियां है, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है अदानी पावर टाटा पावर, तो आप देख रहे होगे ये स्टॉक्स काफ़ी फोकस में थे, अभी काफ़ी ज़्यादा इन पे लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन NTPC उतना ज़्यादा अभी बड़ा नहीं है। तो दैट्स व्हाई हम ये रिकमेंड कर रहे हैं, आगे इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे कि क्यों ये बेटर है। तो आप खुद समझिए कि जैसे कोल इंडिया है, तो कोल इंडिया के अंदर क्या होगा कि अगर कोल की पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे इंडिया की कम, तो वहाँ पे इश्यूज आएंगे, क्योंकि आप कोल इंडिया और किसी बिजनेस में कैसे जाएगी, वो कोल माइन करती थी, वो कहीं और माइन नहीं कर सकते, लेकिन NTPC के पास चांस है कि वो अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दे, कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी की बजाय रिन्यूएबल्स पे चले जाए। हाँ, उसका रिस्क है कि जो इनके एग्जिस्टिंग प्लांट्स है कोल्स वगैरह के, वो उनको कैसे बंद करेंगे या उनकी अंडर कैपेसिटी पे कितना उसको रन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें, लेकिन क्या ये आज की तारीख में आज से 5 साल तक हमें लगता है कि कोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हम पूरा रिन्यूएबल्स में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या किस सिचुएशन होगी कि धीरे धीरे कोल पे डिपेंडेंसी कम होगी और रिन्यूएबल्स पे बढ़ेगी, और उसी तरह NTPC भी धीरे धीरे अपना ग्रो कर ही रही है और आगे बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली हमें ये करना है कि हमें आज की तारीख में इसे बाय करना है, बट हमें इसको फॉलो भी करते रहना, ताकि हम ये जान सके कि क्या ये रिन्यूएबल्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है या इसका कोल का बिजनेस किस तरह चल रहा है। तो वहाँ से हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कि हमें अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए या फिर इसे बाद में सेल कर देना है, बट आज की तारीख में ये मेरी नज़र में एक बाय रिकमेंडेशन है। इसका फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं कि आज के हिसाब से क्या क्यों हमें इसे लेना चाहिए। तो देखिए, एक तो क्या है कि ये कंपनी का जो डेट लेवल है वो एक बढ़ रहा है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसकी लाइबिलिटीज जो है वो बढ़ रही है, इक्विटी उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, तो बोरोविंग्स जो बढ़ रही है
वो एक हमारे लिए चिंता की बात है। तो उस वजह से हमें एक थोड़ा क्वेश्चन होना चाहिए इसको लेते वक्त कि आगे अगर ये कंपनी, देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग कंपनी तो ये तो नहीं है कि आज के आज बैंकरप्ट हो जाएगी, और इवन गवर्नमेंट फंडिंग है तो आज के आज बैंकरप्ट नहीं होगी। उस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये राइजिंग रेट लेवल बहुत बड़ा इशू है। सेकेंडरी, ये जो कंपनीज होती है इनको बहुत ज्यादा फोकस होता है इन्वेस्टमेंट पे, अपने प्लांट वगैरह बनाने में, तो वहाँ के लिए जो है इनको और इलेक्ट्रिसिटी बाय करना होती है, ये सारी चीज़ों की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग्स लेना पड़ती है। तो उस पोजीशन के हिसाब से सही है, बट स्टिल इट इज़ इंक्रीजिंग, जो कि एक बड़ा इशू है। लेकिन उसके अलावा हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको ये नहीं मान सकते कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की सिचुएशन है इसकी, या एक तरह से बहुत ज़्यादा चांस है कि ये कंपनी हमें बैंकरप्सी की तरह जाए या पुअर फाइनेंशियल हो जाए इसके इन द शॉर्ट टर्म। तो अभी के हिसाब से ये बेटर फाइनेंशियल से। आगे बात करें अगर हम इसकी बिजनेस ग्रोथ की, तो ये जो है ये पूरे ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा है यहाँ पे, कि ओवरऑल इंडिया में आप देखेंगे जो ग्रीन वाला है वो सारे बता रहा है कि टोटल इंडिया की कैपेसिटी कितनी है, और टोटल इंडिया की जनरेशन ग्रोथ जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो किस तरह हो रही है। जबकि यहाँ पे एनटीपीसी का भी उसके साथ ब्लू और रेड कलर में है कि एनटीपीसी प्लस एनटीपीसी ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है इंडिया की उसको कवर करता है। तो वो यहाँ पे बेसिकली हमने समझाया। और दूसरी चीज़ है कि ये धीरे धीरे इसका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो इट इज़ ए ग्रोइंग कंपनी। हम ये नहीं बोल सकते इतनी बड़ी कंपनी तो ये स्टेगनेंट हो गई, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, बट वो हम यहाँ पे देख भी नहीं रहे। हम यहाँ पे एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी जिसमें FPI FII का इन्वेस्टमेंट है, DII का इन्वेस्टमेंट है, तो जो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए हमारे पोर्टफोलियो को कि बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप ना हो, तो ऐसे में आज की तारीख में किसी लार्ज कैप में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो NTPC है। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। तो जो हमें बेसिक इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग मिली है इसके फंडामेंटल एनालिसिस से, वो आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले तो इसका जो फाइनेंशियल से ये एवरेज है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाई डेट, बट उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी है जो इसको पुअर से या वीक फाइनेंशियल से एवरेज पे ले जाती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल तब होते हैं जब काफ़ी कम डेट लेवल होता, उस वजह से ये एवरेज में मानी जाती है, बट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो वो एक अच्छी चीज़ है। सेकेंड थिंग ये है कि इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और कैश फ्लो बढ़ रहा है, यानी कि ये डे टू डे जो कैश फ्लो हो रहा है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ये बढ़ रहा है। तो एक ये काफ़ी बेनिफिशियल थिंग है कि आपका काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट या जो आपका पेमेंट है वो रुका हुआ नहीं, जैसा काफ़ी दूसरे इंडस्ट्रीज में होता है, आपके पास कैश है अवेलेबल और वो आ जा रहा है काफ़ी अच्छी तरह से। अब उसके अलावा FII FPI शेयर होल्डिंग बढ़ा भी रही है, और अगर नहीं भी बढ़ाती तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है जो हम अपेंडिक्स में देखेंगे। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी एक तरह से स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल्स है। या फिर यहीं पे जो हाई डेट की मैं बात किया, वो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि डेट लेवल बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो वो आप एक चीज़ फॉलो करें, और दूसरा ये फॉलो करें कि ये किस तरह अपना बिजनेस बढ़ा रही है, कॉल के अंदर मेंटेन कैसे रख रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये बाकी जो नई कंपनीज हैं उनसे कैसे कम्पीट करे। बट इनके पास बहुत बड़ा एक बेस है इन्वेस्टमेंट का, बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस हिसाब से इनको कुछ एडवांटेज जरूर होना चाहिए रिन्यूएबल्स में भी जाने के लिए। फिर बात करें अगर इसकी प्राइस टू अर्निंग की, तो वो इंडस्ट्री से कम है, और दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज इस वजह से, क्योंकि ये अंडर वैल्यू है PE के हिसाब से, दैट्स वाई आई वॉज सजेस्टिंग टू बाय दिस स्टॉक। और सिमिलरली इसका PB भी प्राइस टू बुक काफ़ी कम है, इवन वन से लेस है, तो उस हिसाब से हमें ये स्टॉक लेना चाहिए। तो जहाँ पे ये जो सारी चीज़ है ये इसके फंडामेंटल्स से मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है फंडामेंटली। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आगे किस तरह जाने वाली है, तो उस वजह से हमें थोड़ा इस पर फोकस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक जो ओवरव्यू था हमारा कि इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि इंडस्ट्री का 19 यहाँ पे प्राइस अर्निंग है जबकि इसका सिर्फ 9 है, तो यहाँ पे ओवर ऑलमोस्ट चांसेस कि एटलीस्ट 50% तो कम से कम बढ़ ही सकती, और ज़्यादा नहीं। तो उसी तरह आप इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू देखेंगे, तो जैसा हमने देखा कि ग्रोथ हो रही तो वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन डेट टू इक्विटी भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे 1 से 1.6 चला गया है, तो वो एक थोड़ा कॉज है, साइन ऑफ वरी है, तो हमें उस पर ध्यान देना है। बट उसके अलावा ये सब काफ़ी सही जा रहा है। एंड फाइनली जो हमने इसके अंदर होल्डिंग्स की बात की थी, तो आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली इसमें प्रोमोटर का होल्डिंग है, प्लस
12% FII है, 34% DII है और पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सिर्फ 2.8%। तो उससे पता चलता है कि ये कंपनी ना ज़्यादातर FII, FPI, DII, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी जो चीज़ है, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये एक स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बेटर स्टॉक है। इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। एंड यहाँ पे जो हमने कॉन्टेक्ट डिटेल्स दी है, तो आप हमारा यूट्यूब, हमारा टेलीग्राम चैनल और मेरा पर्सनल ईमेल भी इसमें दिया है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उससे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।